हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। गलगोटिया का आप सभी को पता है दो ब्रांच है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अलग एक कॉलेज है। अब गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्पेशलाइज है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। अब उनके लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है यहाँ की, इंडस्ट्री एक्सपोजर इस कॉलेज से आपको ज़्यादा बेहतर मिलता है। एंड अगर मैं बात करूँ मतलब प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के बारे में तो वो भी यहाँ पे बेटर है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं कि क्या क्या आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, एंड क्या क्या यहाँ की मतलब स्पेशलाइजेशन है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एंड कैसे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन भी आपका हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, विदाउट जेईई भी हो सकता है, वो कैसे हो सकता है वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो में थोड़ा आगे। तो वीडियो पूरी देखना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है ग्रेटर नोएडा के अंदर। नॉलेज पार्क टू ग्रेटर नोएडा में ये लोकेटेड है। एंड अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, मेट्रो भी आपके पास में है, जो आपकी नोएडा वाली मेट्रो है नॉलेज पार्क टू, इसका मेट्रो स्टेशन पास में ही है, ठीक है। एंड आपको अगर ईजिली नोएडा से कनेक्ट हो सकते हैं, ईजिली दिल्ली से कनेक्ट हो सकते हैं, आप दिल्ली NCR वाला एरिया आपका ही पड़ जाता है, तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। एंड 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एंड काफ़ी पॉपुलर है अपने BTech कोर्स को लेके। और अगर कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे UG और PG दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। टोटल सीट आपको यहाँ पे 1500 देखने को मिल जाती हैं, इतनी सारी यहाँ पे सीट्स हैं। एंड अगर बात करूं एफिलिएशन की तो AKTU से ये कॉलेज एफिलिएटेड है, NBA से एक्रीडिएशन इसको मिला हुआ है, एंड ये कॉलेज अप्रूव्ड है AICTE से, तो ये सारी इसकी एफिलिएशन अप्रूव्ड है एंड काफ़ी अच्छा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अगर आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं और आप अपने लिए एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं तो गलगोटिया कॉलेज आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर ऑप्शन होने वाला, एक बार इसको ज़रूर देखें। और आगे जो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि BTech की क्या क्या यहाँ पे खासियत है वो सारी अब हम बातें करते हैं। मेन BTech की बातों पर आने से पहले मैं आपको यहाँ की रैंकिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अवॉर्डेड एज नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन UP by NIRF, NBA accredited to engineering branch, तो ये भी एक काफ़ी प्लस पॉइंट है यहाँ की रैंकिंग के लिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, BTech में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इवन अगर आपकी किसी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा सा स्कोर नहीं किया है तो भी आप कैसे यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एडमिशन के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। एंड एडमिशन यहाँ पे होता है आपका एंट्रेंस बेस्ड, JEE Main, CUET और डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। वो गेट एडमिशन आपका कराता है, वो मैं आपको थोड़ा आगे बताने वाला हूँ कि आपका डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम BTech के बारे में प्रॉपरली बात कर लेते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, एलिजिबिलिटी, सारी बातें। तो BTech आपका यहाँ का 4 साल का कोर्स होता है, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। एलिजिबिलिटी PCM में 12th में आपके 60% से वो मार्क्स होने चाहिए तब आप एलिजिबल हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। एंट्रेंस एग्जाम JEE मेन्स और UPSC, मतलब जो UP का जो एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है कॉमन एंट्रेंस, तो उसके थ्रू भी आप अपना यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ कैटेगरी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। एंड स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे मैकेनिकल, IT एंड मतलब सिविल इंजीनियरिंग, CS, ये सारी आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिल जाती हैं। फीस की अगर बात करूँ तो 1,25,000 पर ईयर आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है। 4 साल का ये प्रोग्राम है तो आप उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अब बात करता हूँ मैं डायरेक्ट एडमिशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट ये होते हैं कि भैया हमें पता है ऐसे एडमिशन हो रहा है, ये तो बहुत कॉमन है, एडमिशन हो जाएगा, एंट्रेंस में ही तो हमारा परसेंटाइल नहीं आया तो एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि अगर एंट्रेंस में हम क्वालिफाई नहीं करें तो आप एडमिशन कैसे होगा, या फिर JEE मेन या UPSC में आपकी कम परसेंटाइल आई तो आपका एडमिशन कैसे होगा। तो आपका एडमिशन होगा गेट एडमिशन के थ्रू। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो यार, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी आपने सवाल जवाब करें, बातचीत करें हमारे साथ, ताकि हम आपका एडमिशन अच्छे से करा सकें। व्हाट्सअप करेंगे, कॉल करेंगे, वो आपकी मर्जी है, एडमिशन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बिल्कुल सारी चीजें अच्छी हैं, आपकी जो मनपसंद स्ट्रीम है उसमें आपका एडमिशन होगा। गेट एडमिशन इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे लोन की फैसिलिटी, स्कॉलरशिप की फैसिलिटी, एंड तीसरी अगर मैं बात बताऊं आपको तो फ्री करियर काउंसलिंग, आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है किसी का, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। आप जरूर अप्रोच करें गेट एडमिशन को अपने एडमिशन के लिए। तो अगर मैं बात करूं अब इस मतलब जो ये गलगोटिया कॉलेज है इसकी प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेसमेंट भी काफी यहाँ की
मतलब मानी जाती है। तो प्लेसमेंट यहाँ की हाईएस्ट पैकेज अभी तक का 15 लाख गया है एंड एवरेज पैकेज यहाँ पे माना जाता है 3 लाख 4 लाख 5 लाख इसके आसपास। ओके तो ये इसका हाईएस्ट पैकेज एंड टॉप मोस्ट कंपनियाँ यहाँ पे भी आती रहती है, टॉप रिक्रूटर्स यहाँ के भी हैं, अच्छी खासी कंपनियाँ हैं। ओके एंड अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप की, मेरिट बेस आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। मेरिट बेस स्कॉलरशिप में जैसे आपने जेई मेन में अच्छा स्कोर किया या फिर आपके 12 पीसीएम में अगर आपकी मेरिट लिस्ट है तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी, ठीक है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। एंड स्पोर्ट्स कोटा स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। तो ये सारी स्कॉलरशिप की बातें होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी काफ़ी प्यारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है इस कॉलेज का, ठीक है। अगर आपने देखा हो गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया कॉलेज भी उसका एक मतलब दूसरी ब्रांच है एंड एक अच्छी अच्छा कॉलेज माना जाता है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। बीटेक वाले स्टूडेंट्स प्रॉपरली इसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, ये यहाँ का प्लस पॉइंट है। फैकल्टी यहाँ की काफ़ी अच्छे, इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड इंडस्ट्रियल विजिट्स आपकी कंटिन्यू रहती हैं, वो मेरे को एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। सेमिनार एंड ऑल आपके मतलब जो भी टॉप मोस्ट मतलब जिस सब्जेक्ट का भी जो ऐसा होता है ना कि हमारे से उस फील्ड में ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं तो उनके आपको सेमिनार वगैरह आपके लिए गेस्ट लेक्चर्स वगैरह अरेंज करते रहते हैं, तो ये एक मेरे को अच्छी चीज़ यहाँ की लगती है, ठीक है। और जो कि मैंने रिव्यूज़ के थ्रू पढ़ा है एंड स्टूडेंट्स का मानना भी यही है कि अच्छा कॉलेज है एंड फैसिलिटीज़ यहाँ पे लाइब्रेरी कैंटीन कैफेटेरिया हॉस्टल भी अवेलेबल है, हॉस्टल काफ़ी अच्छे हैं, मैं इसका खाना भी ओके आप कह सकते हैं अच्छा खाना है, ठीक है, इतना बुरा नहीं है। तो आप एक बार ज़रूर अप्रोच करें एंड गेट एडमिशन को कॉल करके अपना एडमिशन ज़रूर करा लें। आई थिंक इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, अगर कुछ छूट गया तो आप गेट एडमिशन को कॉल करें एंड सारी चीज़ें क्लियर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।